بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 15 آیت نمبر 16 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون جو दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत चाहते हैं हम उनके आमाल का बदला दुनिया ही में दे देते हैं और उसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती जातीन आखिरतार यही लोग हैं जिनके लिए आखरत में आग के सिवा कुछ नहीं है वह बबा मा कानू या मलून उन्होंने दुनिया में जो कुछ बनाया था वो बर्बाद हुआ और खराब हुआ जो उन्होंने कमाया था तशरी बहुत ध्यान से सुनिए दीन की दो किस्में हैं एक मिलावटी दीन, दूसरा बे दीन, मिलावटी दीन दरअसल दुनिया के ऊपर दीन का लेबल लगाने का दूसरा नाम है वो दुनिया और दीन के दरमियान मसालाहत करने से वजूद में आता है यही वजह है कि हर जमाने में ऐसा होता है कि मिलावटी दीन की बुनियाद पर बड़े बड़े इदारे कायम होते हैं मफाद परस्त लोग इसके जरिए दीन के नाम पर दुनिया हासिल कर लेते हैं बे दीन का मामला बगैर मिलावटी दीन का मामला इसके बिल्कुल बरक्स है बे दीन की दावत जब किसी माहौल में उठती है तो वो सिर्फ एक नजरी सच्चाई होती है माशी मफादत और क़़्यादती मसाले उसके साथ जमा नहीं होते ऐसी हालत में जो लोग मिलावटी दीन के नाम पर इज्जत और मकाम हासिल किए हुए हों उनके सामने जब बे आमेज दीन की दावत आती है तो वो सख्त मुतवश होते हैं क्योंकि उसको इख्तियार करने की सूरत में उन्हें नज़र आता है कि तमाम दुनियावी चीज़ें उनसे छिन जाएंगी इस एतबार से किसी माहौल में बे दिन की दावत का उठना वहाँ एक नाजुक इम्तिहान का बर का बरपा होना होता है ऐसे वक्त में जो लोग दुनिया की इज्जत और दुनिया के मफ़ादात को काबिल तरजीह समझें और बे दिन का साथ न दें उनकी सारी दौड़ धूप दुनिया के खाने में चली जाती है क्योंकि उन्होंने उस दिन का साथ दिया जिसमें उनके दुनियावी मफादात महफूज थे और उस दीन का साथ न दिया जिसमें उन्हें अपने दुनियावी मफादात छीनते हुए नज़र आते थे वो बज़ाहिर खा दीनी सरगम गर्मियों में मशगूल हों असल मकसूद के अतबार से वो दुनिया के हसूल में मशगूल होते हैं जाहिर है कि ऐसी कोशिशों का आखिरत में कोई नतीजा मिलना मुमकिन नहीं खुलासा कलाम ये दीन का काम दुनिया के लिए खुदा ना खास्ता हमने किया तो वहाँ उसका कोई बदला नहीं मिलेगा दीन का काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए करेंगे तो वहाँ उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा ये पूरी की का खुलासा है उन्होंने अगरचे अपने सरगर्मियों को दीन के नाम से मौसम कर रखा था वो अपने कौमी मेलों के ऊपर जश्न दीन का बोर्ड लगाते थे वो अपनी कौमी लड़ाइयों को मुकदस जंग का नाम देते थे वो अपनी क़्यादती नुमाइश को दीनी कान फरस कहते थे वो अपनी सियासी हंगामों को मजहब की असला में बयान करते थे वो अपने दुनियावी वो अपने दुनियावी जज्बा के तहत धूमधाम मचाते थे उसको अल्लाह और रसूल के साथ जोड़ते थे मगर ये सारी तामीरात दुनिया की जमीन में थी वो आखरत की जमीन में न थी इसलिए क़यामत का जल्जिला उन्हें बिल्कुल बर्बाद कर देगा अगली दुनिया में उनका कोई अंजाम उनके हिस्से में ना आएगा एक जुमला और सुन लीजिए जब हकीकी दिन खत्म हो जाता है तो धूमधाम वाला दिन बाकी रहता है धूम धाम धूम धाम धूम धाम समझो कि इसके अंदर से रूह निकल गई है जो हकीकी दिन होता है वहां धूम धाम नहीं होता वहां तो काम होता है आदमी काम करता है अल्लाह ताली हक़ीक़ी दीन हम सबको अता फरमाए और आमीजिश वाला दीन मिलावटी दिन से अल्लाह ताला हम सबकी पूरी पूरी हिफाजत फरमाए आमीन आमी रब्बिल आलमीन